एक दूनी दूनी, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, दो दूनी चार, त्रै दूनी छे, चार दूनी आठ, नहीं पुत्र आठ। सारा की करन दे आवे। आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहा है एक सरकारी स्कूल का मास्टर। अगाल सुन रहे? हाँ जी। नाल देखो लस्सी लेके आओ, तो मास्टर साहब लस्सी मंगदे पए ने। अच्छा जी, पिंडा च सस्तियां मिठाई वाली दुकान नहीं थी, ओदे बाहर ए होरी फोटो लगी होगी। अली पुत्र मास्टर साहब, और तेन मैं छे अंडे लै आई। लै आए? नहीं नहीं लैके आया। बात सुनो, बेशर्म तुम उसे मारने लगे थे? हुक्म दुली कर संते मार पोसी के ना। और तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हारे लिए अंडे लाए? हाँ जी। और अगर ना लाए तो तुम उन्हें सोटी से मारोगे? सोटी की थू है निक्की जी, चमक है मरते पहने। लाओ मैं इस चमक के साथ तुम्हें मार के दिखाऊंगा। यही तकलीफ तुसी ना करो। ये तुम बच्चों के लिए लाए तो होर मैं रजाइया भरदा। ये बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ा लेना है कि नहीं? मास्टर नु मारे इस औरत ने ताना कि इंग्लिश नहीं आउंदी मास्टर नु। क्या लिखने क्या लगे? एप्पल लिखो। एप्पल है जी? एप्पल एप्पल। अच्छा जी, अब देखो बच्चियों, एप्पल इनू एप्पल बना लो, इनू संतरा बना लो, इससे थोड़ा मास्टर ही बना सकता जी। उसके स्पेलिंग लिखो। स्पेलिंग आते हैं तुम्हें एप्पल के? आंदे स्पेलिंग एस ए बी ई एस ए बी। ये क्या बना? एप्पल हो रधवाना। अच्छा तुम स्कूल टीचर हो, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं, मैं हैरान हूँ स्कूल चला किस तरह रहे हो। जनाब ए स्कूल में ठेके तो ले आया है। क्या लिया? ठेके तो ले आया है। किस से? मास्टर को लो। तो तुम क्या हो? मैं तो चौकीदार हूँ। नहीं तो बात सुनो, मास्टर किधर है? वो शहर काम करता जी। शहर काम करता है? हाँ जी। स्कूल उसने तुम्हारे हवाले किया हुआ? हाँ, स्कूल तो है पजामा। तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? तकरीबन दो साल हो गए जी। तो ठीक चल रहा है मामला? बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, अल्लाह दी रहमत। इन बच्चे नु कोई शिकायत ही नहीं। बच्चों ये बताओ कि ये मास्टर आपको मारता भी है? हाँ जी। फौरन नहीं कह दे दूंगा पुत्र। आपको समझ आती है मास्टर जी जब पढ़ाते हैं? पुत्र कही दूंगा। हाँ जी समझ आती है। यार क्या मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं उनके वालदैन, जो तुम जैसे राक्षस के पास भेज देते हैं बच्चों को। अच्छा। जिसे ना कुछ आता है ना कुछ, सेब लिखने को कहा और सेब की तस्वीर बना दी उसने, और वो भी किस कदर नाकिस, दस्ती बम लग रहा है। सेब भी पीने कडो चल भी जाता है। वे बच्चे ने यूनिफॉर्म इको जा क्यों नहीं पाया या? ए मेरे स्टूडेंट ने, मेरी औलाद नहीं, एवं उन्होंने वालदा साहबा ना बन। वो असली मास्टर हो तो उसे पता हो ना। ए बंदे चौकीदार है, जाके गेट पे बैठो भाई। इतने तेरा फुफड़ भाई सी। अच्छा तो कोई ग्राउंड श्राउंड भी है इसका? सुना ग्राउंड है बड़ा खुला, वो सी गुजरन दिता है। किसको दिया हुआ? भाई जी तुसी बोले तो नहीं है। नहीं मैं बोला नहीं हूँ, दिया किसको हुआ है? गुजरन दिता है जी गुजरन। आई आवाज। गुजर क्या करते हैं? ओ मज्जा कंप्यूटर सिखा देंगे। सर ऐसे माफिया को जेल में होना चाहिए, इनका स्कूल में कोई काम नहीं है। इसको तो समुन्दर में होना चाहिए। भोर को डूंगी जगह है थोड़े को। मैं तो कहता हूँ तुम्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने होना चाहिए। ओ की होंगी जी? ओ इस तो भी डूंगी था होंगी। यार लानत है वैसे यहो जो स्कूल दे। तुम स्कूल की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ पूरा गांव क्रिमिनल्स है। बिल्कुल, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, ये डीसीओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक सबके सब काबिल तजीर है, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। अरे अली पुत्र लेके घर जा, मैंने पैनिया बहुत ने। अच्छा ठेकेदार साहब ये बताइए खुद कितना पढ़े लिखे हैं? इतने तुम की लग रहा है? यानी चित्ते अनपढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों बात सुनो, अपने घर जाकर माँ बाप को बताया करो कि किस किस्म के ये टीचर ने तुम्हारे एडे वाकफ कार ने मेरे मुंह से बस्ते मार देने ने। बच्चों ये आप ही को काम करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बताएं, घर जाएं अपने माँ बाप को बताएं कि ये जाली आदमी है, झूठा आदमी है। शेम ऑन यू। पढ़ो, शेम का मतलब होता है फिटे मुंह।